चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, पंजाब या हरियाणा? ये सवाल अब दोनों राज्यों के लिए बड़ा हो चला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली भगवंत मान सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करने का प्रस्ताव पास किया है। चंडीगढ़ को हस्तांतरित करने के संबंध में पड़ोसी राज्य पंजाब की ओर से एक प्रस्ताव पारित किए जाने के कुछ दिन बाद हरियाणा ने भी कदम उठाया। राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है। पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती, हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब विधानसभा में दशकों के बाद एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया कि चंडीगढ़ पूरा पंजाब को ट्रांसफ़र किया जाए। ना सिर्फ वो प्रस्ताव असंवैधानिक गैरकानूनी है, लेकिन वो प्रस्ताव जो 1966 पंजाब रिओर्गनाइजेशन एक्ट, जिसकी एक्ट के तहत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल 3 प्रदेश बने और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, उस एक्ट की धज्जियाँ उड़ाने का काम पंजाब विधानसभा ने किया। और इसीलिए मैंने सदन के अंदर ये नोटिस दिया और मैं मांग करता हूँ, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी स्वयं और गृह मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें, क्योंकि चंडीगढ़ एक हमारी राजधानी नहीं है, चंडीगढ़ हमारी राजधानी थी, है और रहेगा। वहीं बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर चंडीगढ़ के मुद्दे को उछालकर कोरी राजनीति का आरोप लगाया। ऐसा है कि ऐसे विधानसभा में प्रस्ताव पहले भी कई बार पास हुए और पंजाब की विधानसभा इसके लिए कमिटमेंट दे चुकी है, लेकिन प्रश्न यह है कि आज इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों, चर्चा क्यों? अभी तो मौका है, आप सरकार बनाकर आए हैं, आपने जो मैनिफेस्टो में वादे किए उनको पूरा करिए। मैं तो केजरीवाल साहब को भी कहूंगा और भगवंत मान जी को भी कहूंगा, अब इधर उधर की बात मत कर, अब तो काम करके दिखाइए, वादे किए हैं उनको पूरा करके दिखाइए और बहाने मत बनाइए। चंडीगढ़ पर दावे को लेकर एक चिक-चिक शुरू हो गई है, जिसे एक पार्टी ने उछाला और दूसरी पार्टी ने कैच कर लिया। दोनों सरकारें आमने सामने हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा महज राजनीति के लिए उठाया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।